हुकूकुल इबाद के बारे में बात करें अब जितनी मेरी नॉलेज है मुख्तर सी वो बात मैंने सामने पेश की लेकिन ये हकूक इबादा क्या है तमाम देखने वालों को क्या समझाएँगे बस्मिलहमदी रसोल कर करीम मेरी बहन अल्लाह ताली आपको बहुत ज़्या खैरत फ़रमाए बड़ा अच्छा सेगमेंट आप लोग लेकर चल रहे हैं तक अपनी बारगाह मेंबूल फ़रमाए को माफ़ फरमाए अकले सलात का हम नबूत के अतबार से तारफ देखते हैं या सई न सदी के अकबर रजी अल्ला ख़िलाफ़त के अतबार से तारफ देखते हैं आपने जुनेद जमशेद मरहूम की बात की तो मुझे याद आ गया उन्हें एक दफ़ा फरमाया कि खिदमत खल का इस्लाम में क्या तर है खिदमत खल का इस्लाम में क्या तस्वर है तो मैंने जुनेद भाई सर्ज किया कि जुनेद भाई नबूत और खिलाफत का तारफ़ ही हमें हकूक इबाद ख़दमत खलक़ से मिलता है कि जब अकाल ही सलात पे पहली वही नाजिल होती है तो घबराहट की कैफियत तो अम्मा खदीजा फ़ौर क्या फरमाती हैं क्या अल्लाह के महबूब अल्लाह ताली आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे आप परेशान मत हों और टेंशन ना लें क्योंकि आपके अंदर हक़क इ इबाद के एतबारे से जो पाँच ख़ूबियाँ मैंने देखी हैं कि खिदमत खलक़ में आप शब रोज़ दगे हुए हैं तो ऐसी ख़ूबियाँ बंदे को अल्लाह ताला हमेशा नवाजते ही हैं ये अभी इस्लाम नहीं आया कलमा भी नहीं पढ़ा और उससे पहले ये तारफ़ हो रहा और पाँच ख़ूबियाँ अमीजान ने बयान की इन्ना कल्ला तसरम व तहमिरकल वतुशलमादूम वतुरज़ैफ़ वतोअनौला नवाबिलहक क्या आप तो रिश्तेदारों को जोड़ते हैं आप तो जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा बनते हैं आसमानी कहीं पर भी आफत आ जाए सबसे पहले आप पहुंचे होते हैं और कोई भी मेहमान आ जाए सबसे पहले उसकी खिदमत के लिए आप पहुंचे होते हैं और वही देखें उनके मुबारक ग्राने में भी ये कैफियत तो आज हमने उन चीज़ों को वो तो हर बहुत आला दर्जा है हकूक इबाद के अतबार से जो अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई आज हमें एक बहुत बड़ी गलती ला गई है हुकूक व के अतबार से हमें अपनी चीज़ें लेने का तो शौक़ है जिसका मुतालबा कुरान पाक में एक मरतबा भी नहीं आया और जो अल्लाह ने हक ज़िम्मे लगाए हैं जो हमने अदा कर रहे हैं जिसका बार बार मुतालबा आया है वो फ़िक्र छोड़ कर हमें एक चीज़ है कि मेरी जो चीज़ें हैं मुझे मिलनी चाहिए हर शोहर ये मुतालबा कर रहा है हर बीवी ये मुतालबा हर औलाद ये मुतालबा तो मैं हाथ जोड़ कर दरख्वास करूँगा मुतालबा करने की बजाय हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू कर दें तो अल्लाह के फजल करम से सारे मामल बेहतर नहीं बेहतरीन होते चले जाएंगे। बिल्कुल तो एक तो ये गुजारिश है दूसरे नंबर पर ख़ास तौर पर हमारे माशरे में जहाँ हकूक इमाद की पामाली हो रही है और इसके साथ हम बड़ा नामुनासिब सलूक कर रहे हैं उसके अंदर एक विरासत का मामला ख़ास तौर पर आता है और ख़ास तौर पर बेटियों का जो मामला है बहनों का जो मामला है उनको विरासत से ऐसे महरूम किया जाता है जैसे महरूम करने का हक़ होता है और आखिर यही सलात ने फरमाया कि जो किसी भी वारिस हकदार की विरासत को महरूम करता है मैं अल्लाह का महबूब गारंटी से कहता हूँ वो जन्नत की भी विरासत से महरूम होगा और दुनिया में भी अल्लाह की बिल्कुल अच्छा मुफ्ती साहब यहाँ बात हो रही है हक की और फर्ज की अभी हक और फर्ज में क्या फर्क है तमाम तारीफे अल्लाह सुबह के लिए और दुरुदो स के रसूल हम सबके आका हम सबके मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिस तरह मेरी बहन ने सवाल किया कि हक़ और फ़र्ज के हवाले से क्या तमसील होगी किस तरह देखेंगे तो ना मुझे इधर देखना है ना मुझे उधर देखना है मुझे जब भी देखना है तो मुस्तफ़ा को देखना है और ज़ा मुस्तफ़ा करीम सल्लासम वो रोल मॉडल है कि जहाँ तमाम हकूक़ नजर आते हैं आप शोहर की हैसियत से देखें आप बाप की हैसियत से देखें आप दोस्त की हैसियत से देखें आप ताजिर की हैसियत से देखें आप पड़ोसी की हैसियत से देखें आप रियासत के हाकििम की हैसियत से देखें आप नबी की हैसियत से देखें आप मुफ्ती की हैसियत से देखें आप काजी की हैसियत से देखें के नबी सल्लाम आपको बेहतरीन नजर आते हैं आप जाके पूछे, अम्मा से अम्मा आयशा से अम्मा सौदा से अल्लाह के नबी सैसी शख्सियत है वो कैसे तो जवाब आता है वो बेहतरीन वह अल्लाह के नबी है मगर इनसे अच्छा कोई शौर हो नहीं सकता कोई जाके पूछे सईदा अबू बकर बचपन के दोस्त हैं आप ये बताइए अल्लाह के नबी हजूर मोहम्मद रसोल्ला के बारे में आप क्या कहते हैं वो कहते हैं वो अल्लाह के नबी है मगर इनसे अच्छा कोई दोस्त हो नहीं सकता कोई जाके पूछे बीबी फातमा के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं। वो रसूल है, मगर इनसे बेहतरीन बाप कोई हो नहीं सकता कोई जाके पूछेद रसोल्ला के रसूल है मैं चाद भाई होने की वसलम से बेहतरीन कोई भाई हो नहीं सकता कोई जाके पूछे बिलाले हबशी से रहते अनस आप बताइए अल्लाह के नबी कैसे हैं वो कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं मगर इनसे बेहतरीन आका कोई हो नहीं सकता कोई जाके पूछे आज ताजरों के लिए हुकूकली बात की बात की जा रही है हम जखीरा अंदोजी पे फ्र करते हैं हम माल को इनक्रीज करने पे फख्र करते हैं आज जाके पूछिए मदीने के बाजार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं मगर इनसे बेहतरीन ताजिर कोई, कोई हो नहीं, नहीं सकता आज अदालतों के अंदर लटक रहे होते हैं जिसका केस होता है वो बरसों तक मामला में फंसा रहता है जाके पूछे कोई मदीने की अदालत से मोहम्मद कैसे है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है इनसे बेहतरीन कोई काजी हो नहीं सकता हक हुकूक फर्ज फराइज

ने करके दिखा दिया अब इसके बाद अगर हम सवाल करें कि हम किस तरह हकूक दें दूसरों के तो वो मेरे ख्याल से हमें पढ़ना पड़ेगा उनकी सीरत पढ़ लें तो हम सब समझ आएँगे आपा तो इसमें बड़े आपा मसायल हो जाते हैं मैं आई या मैं आया उसने मुझे सलाम नहीं किया सिर्फ इस मामलात में नहीं नौकर और सेठ के दरमियान भी इस तरह की बात हो जाती तो वहाँ भी, भी हुक्म है कि नौकर या चाकर है तुम पहला सलाम कर दो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम ने हर एक के हकूक़ बताए हैं यानी नौकर चाकर तो बड़ी चीज़ है आप जिसके साथ सफ़र करते हैं मुसाफरत इख्तियार करते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद कभी हज पर जाते हैं कभी ज्यारतों पर जाते हैं कभी किसी और सफ़र पर जाया करते हैं तो एक रिवायत है कि मौल कायनात हजरत शेर खुदा हजरत अली तरीब ने बिताम कूफे से जा रहे थे और रास्ते में एक ऐसा मुसाफिर मिल गया जो कि गैर मुस्लिम था मुसलमान नहीं था अब वो यहूदी था ईसाई था नसरानी था पारसी था क्या था वल्लाह आलम लेकिन वो मुसलमान नहीं था अब वो हजरत अली को पहचानता भी ni लेकिन दोनों में तय ये हुआ कि जो एक मकाम तक जिस पे वो अपने शहर जा रहा था और जहाँ मौलान कानाथ शेर खुदा आ रहे थे कोफे की जानब तो वो एक दौराहा जैसा आ रहा था वहाँ तक तो दोनों को साथ सफ़र करना था तो ये दोनों वहाँ तक पहुँचे उसके बाद वो दोनों रुखसत हुए वो अपने रास्ते पर चला गया ये अपने रास्ते पर आ गए तो जो दूसरा मुसाफिर था उसको महसूस किया हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है उसने जो मुड़कर देखा तो उसने देखा हज़रत अली शेर खुदा आ रहे हैं और हज़रतली इसने रुक गैस ने कहा कि भैया खुद ही तो खुदाफिस का फिर उसके बाद रुख्सत किया अली ने फरमाया कि मेरे पैंबर अक्रम सम ने मुझे हुक्म दिया है कि अगर किसी के साथ सफ़र इख्तियार करो तो तुम उस सफ़र का हक़ यह है कि तुम थोड़ी दूर उसके साथ चलो उससे पूछो कि उसके पास जाते राह है या नहीं, नहीं तुम उसको थोड़ी दूर आगे जा कर रुखत करो तो वह गैर मुस्लिम था लेकिन वो सोच में पड़ गया उसने कहा कि यकीन तुम्हारे पैम्बर की तालीमत इतनी बेहतरीन है जिनकी बिना पर इस्लाम इस कदर तेज़ी से रोज़ अफजू फैल रहा है और उसके बाद वो शख्स अपने शहर से जब आया कुछ दिनों के बाद कूफे तो उसने देखा कि अली इब्ने अपने भी तलित खलीफतलमसलमिन है तो वो हैरान हो गया वो कलमा पढ़ा कबूल इस्लाम कर लिया उसने कहा कि मुझे खबर ही नहीं थी कि इतनी बड़ी शख्सियत और मेरे साथ सफ़र कर रही थी तो हुकूकुल इबाद की मंजिल पर हमें हर एक का ख्याल रखना है हमें अपने घर वालों का अपने बच्चों का अपने बहन भाइयों का अपने पड़ोसियों का जिनके साथ हमारे मामलात है सबका ख्याल रखते हुए तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और अपने आप को जहाँ से बचाकर जन्नत में ले जाए बिल्कुल सही बात यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान